इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आपके लिए संस्कृत में एक स्पेशल सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, यानी कि टेस्ट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों। कोरोना नामक वायरस से बचने के लिए घर में ही रहे, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। घर में रहकर और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लीजिए। बार बार देखिए, ज्यादा ज्यादा देखिए उनको, ठीक है। शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा, ताकि जिन स्टूडेंट्स के, क्योंकि अभी समस्या है लॉकडाउन के कारण घर पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को क्लासेस प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए उनको ज्यादा ज्यादा शेयर करके बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस पे, ठीक है, संस्कृत की क्लासेस उपस्थित है, संस्कृत क्लासेस लाइव हो रही है, तो उनको आप देखें। तो चलते हैं टेस्ट की ओर। सब प्रश्न, पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखे। हमने लिखा है राम है पुस्तकम पठती, राम है पुस्तकम पठती, आपके सामने वाक्य दिया हूं, राम है पुस्तकम पठती को कर्णवाच्य, राम है पुस्तकम पठती वाक्य को कर्णवाच्य में परिवर्तित कीजिए। आपको एक वाक्य दिया गया है, राम पुस्तकम पठती को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, बदलिए, जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जल्दी जल्दी करते रहे। राम पुस्तकम पठती आपको वाक्य दिया है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना। आपको सबसे पहले कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसको कर्मवाच्य में बदले, ठीक है। तो देखिए शुद्ध वाक्य बोलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, रामेण पुस्तकम पठ्यते, क्या बन जाएगा, रामेण पुस्तकम पठ्यते। ध्यान रखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य का वाक्य है, जब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, इसको राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। तो जो कर्ता होता है, राम यहाँ पे क्या है, कर्ता है, ये पुस्तक क्या है, हमारा कर्म है, और ये क्या है, हमारी क्रिया। तो कर्ता में तो तृतीय विभक्ति आती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है, और क्रिया कर्म के अनुसार आती है। क्रिया किसके अनुसार आती है, क्रिया कर्म के अनुसार आती है यहाँ पे, ठीक है। और क्रिया में यह जुड़ करके आत्मेन पदे सेव धातु के समान रूप चलेंगे इसके, ठीक है। तो रामेण पुस्तकम पठ्य थे, ठीक है मित्रों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न देखिए, ध्यान रखें, हमने एक ही बात बताई है, जो आपका रीट सीटेट एमपीटेट यूपीटेट कोई भी स्टूडेंट्स इसमें टेस्ट दे रहा हो, पढ़ रहा हो, तो ध्यान रखे सभी कॉमन है, व्याकरण सबकी कॉमन होती है, इसलिए ध्यान दे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न दिया हमने नाविक, अगला प्रश्न दिया हमने नाविक, नाविक पद में, नाविक पद में संधि का नाम, नाविक पद में संधि का नाम क्या होगा, नाविक पद में संधि का नाम बताना, आपको संधि का नाम क्या होगा, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। नाविक पद में संधि का क्या नाम होगा, जल्दी जल्दी बताइए। नाविक पद में संधि का नाम, पहचान को याद कीजिए, जो हमने आपको बताई है उस पहचान, जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया आपको, जो वर्ण पढ़ा दिया, संधि पढ़ा दिया, उपसर्ग पढ़ा दिया, तो वहां पर आपका उत्तर सही होना चाहिए, और आपके पूर्व ज्ञान के आधार पे। तो नाविक पद में संधि कौन सी है, अयादि संधि, कौन सी संधि है, अयादि संधि, ठीक है जी।
अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार से हमारा, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, सीतारामौ, अगला प्रश्न है सीतारामौ पद में, सीतारामौ पद में समास का नाम है, सीतारामौ पद में समास का नाम, समास का नाम बताना, सीताराम, सीतारामौ पद में कौन सा समास है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। तो सीतारामौ पद में समास का नाम है द्वंद, कौन सा समास है, द्वंद, और द्वंद में भी, द्वंद में भी समास का नाम पूछे तो आपको आंसर देना है इतरेतर द्वंद समास। ध्यान रखिए समास का नाम द्वंद है, द्वंद में भी भेद आ जाए ऑप्शन में तो इतरेतर द्वंद समास आपको करके आना है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, अगला प्रश्न देखिए, वै का उच्चारण स्थान, वै का उच्चारण स्थान, वै का उच्चारण स्थान क्या है, वै का उच्चारण स्थान जल्दी जल्दी बताइए, वै का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, वै का उच्चारण स्थान क्या है, वै का उच्चारण स्थान तो वकारस्य दंतोष्ठम, वै का क्या होता है, वकारस्य दंतोष्ठम, तो क्या है, वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ, तो वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम सूत्र आता है उसके अनुसार वकार का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार से क्या है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है क्या, देखो हमने दिया पर्यटन, पर्यटन में संधि का नाम, पर्यटन में संधि का नाम है, पर्यटन में संधि का नाम बताइए, पर्यटन पद में संधि का नाम बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, पर्यटन में संधि का नाम, तो पर्यटन में कौन सी संधि है, यण संधि, कौन सी संधि है, यण संधि, ठीक है। और यण संधि का सूत्र यदि पूछ ले तो क्या बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए, इको यणची, यण संधि का सूत्र पूछ ले तो आंसर क्या दोगे, इको यणची, ठीक है। यदि आपसे पूछे पर्यटन का संधि विच्छेद क्या है तो संधि विच्छेद बताइए क्या करोगे, परि प्लस अटन, संधि विच्छेद क्या करोगे, परि प्लस अटन, तो एक ही प्रश्न में तीन उत्तर, यदि अपन को पूछे पर्यटन में संधि तो यण संधि, पर्यटन में सूत्र तो इको यणची, पर्यटन का संधि विच्छेद तो परि प्लस अटन, ठीक है। एक बार इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो ध्यान से देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो अपने मित्रों को। मित्रों एक जानकारी और दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स, यदि आपके कोई साथी गण है जो यूजीसी, यूजीसी नेट का, नेट या जेआरएफ का या कॉलेज व्याख्याता का कोर्स करना चाह रहा है कोई, तो उसके लिए अनएकेडमी यूजीसी नेट पर जाकर के आप वहां पर, ठीक है, अनएकेडमी लर्निंग ऐप को वहां पे इंस्टॉल करके वहां पे कोर्स खरीद सकते, पेड कोर्सेस चलता है, फ्री क्लासेज भी चलती है, यूट्यूब वाली भी और पेड कोर्स भी है, तो कोई आपका साथी है आप वहां पे ले सकते हैं। और रीट के सिलेबस में भी आप जाकर के यदि लेओगे तो वहां पर ऑफिसर एक रेफरल कोड पूछा जाएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो वहां पे ओपीसर, ओपीसर 10, ये आप कोड, ये वाला रेफरल कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। 10% का डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आप ओपीसर 10 का यूज कर सकते हो, ठीक है।
जहां पे भी रीड का आप पेड कोर्स खरीदते हो प्लस कोर्स खरीदते हो तो वहां पे भी, और यहाँ पे तो पेड कोर्स के लिए आप ओपी सर 10 का यूज करोगे तो आपको 10% छूट मिल जाएगी। इसके लिए आप है, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उससे भी, उस पर भी हमारे से संपर्क कर सकते हो पूरी डिटेल के लिए। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप हमारे से संपर्क कर सकते हो कि किस प्रकार से कोड को अप्लाई करना, किस प्रकार से कोर्स खरीद सकते। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये है। तो जो भी किसी को चाहिए तो नेट GRF के पेड कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, और भी कोई साथी है उस प्रकार से, ठीक है। तो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, तो इधर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपको, तो उसके लिए देखिए आपसे पूछ सकते हैं क्या प्रत्याहार, आपसे पूछ सकते हैं कि प्रत्याहार की संख्या, आपसे पूछ सकते हैं प्रत्याहार की संख्या कितनी है, प्रत्याहार की संख्या कितनी है। ध्यान रखिए आपके स्तर की बात हो रही है कि प्रत्याहार की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर बताइए प्रत्याहारों की कितनी संख्या होती है, तो आपका आंसर फिक्स है। ध्यान रखने के 42 ही आंसर देना है, क्यों कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपसे पूछा जाएगा, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्यारोप की संख्या 42 ही मानी गई है, ठीक है मित्रों। तो इसका भी आप एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने हमने दिया है, देखो कवि इमऊ, हमने आपके सामने प्रश्न दिया है कवि इमऊ पद में संधि का नाम बताइए, संधि का नाम, कवि इमऊ पद में संधि का नाम बताइए, जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिए। कवि इमऊ पद में संधि का नाम बताइए मित्रों, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। कवि इमऊ पद में संधि का नाम बताना है, तो मित्रों इसमें संधि का नाम है प्रकृति भाव, संधि का नाम है प्रकृति भाव। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो मित्रों आगे की बात है कि अगला प्रश्न है आपके सामने कि मौन पाठन कितने प्रकार का होता है, मौन पाठन कितने प्रकार का होता है, जल्दी जल्दी बताइए मौन पाठन कितने प्रकार का होता है, प्रकार पूछे हुए कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखिए मौन पाठन दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं इसमें, एक गंभीर और एक गंभीर और दूसरा द्रुत, एक गंभीर होता है और दूसरा होता है द्रुत। तो मौन पाठन दो प्रकार का बताया गया है, ठीक है जी, कोई समस्या। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके पास में इसी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता अपन से, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। सचिव, अगला प्रश्न दिया आपको सचिव पद में प्रयुक्त सूत्र का नाम बताइए, सचिव पद में प्रयुक्त सूत्र का नाम बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सचिव पद में प्रयुक्त सूत्र का नाम बताइए, आप जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, सचिव पद में संधि सूत्र का नाम, तो सूत्र का नाम क्या है, स छोटी, सूत्र का नाम क्या है, सस छोटी सूत्र का नाम है मित्रों। और संधि पूछ ले तो कौन सी होगी, छत्र संधि, संधि पूछे तो कौन सी, छत्र संधि। और संधि विच्छेद पूछ ले तो सत प्लस शिव, संधि विच्छेद पूछ ले तो क्या दोगे, सत प्लस शिव। तो तीन प्रश्न बन गए, सचिव में संधि का नाम पूछे छत्र, सूत्र का नाम पूछे सस छोटी, संधि विच्छेद पूछे सत प्लस शिव। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका चित्र विधि, चित्र विधि का अन्य नाम क्या है, चित्र विधि का अन्य नाम क्या है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, चित्र विधि का अन्य नाम क्या है, चित्र विधि का अन्य नाम क्या है, जल्दी बताइए। तो चित्र विधि का अन्य नाम है देखो और कहो विधि। कौन सी भाई, चित्र है तो चित्र के क्या है, पहले देखते फिर कहते उसके बारे में, तो देखो और कहो विधि, देखो और कहो विधि, ध्यान रखिए चित्र विधि का अन्य नाम देखो और कहो विधि है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको अच्छी प्रकार से याद रखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न भी लगातार पूछा गया है आपसे। तो दूसरा प्रश्न क्या है देखिए कि भाषा, अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न क्या दिया है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, ध्यान रखिए भाषा शिक्षण यंत्र विधि, जल्दी उत्तर दीजिए, भाषा शिक्षण यंत्र विधि किस पर आधारित है, जल्दी उत्तर दीजिए, भाषा शिक्षण यंत्र विधि किस पर आधारित है, जल्दी जल्दी बताइए। भाषा शिक्षण यंत्र विधि किस पर आधारित है, तो आंसर है लिंगवा फोन, किस पर आधारित है, लिंगवा फोन पर आधारित है, और लिंगवा फोन को हिंदी में सीता वाद्य के नाम से जाना जाता है। ध्यान को प्रश्न पूछा जाता है आपसे, प्रश्न पूछ ले कि लिंगवा फोन का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, तो आप कहोगे क्या, क्या आंसर दोगे, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में लिंगवा फोन का प्रयोग किया जाता है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि किस पर आधारित है, तो लिंगवा फोन पर, और ये भी ध्यान रखना है कि लिंगवा फोन को हिंदी में सीतावाद्य कहते हैं, तो आपको लिंगवा फोन भी दे सकते हैं, सीतावाद्य भी दे सकते हैं, इसलिए इसका हिंदी अर्थ भी याद रखिए कि लिंगवा फोन को हिंदी में सीतावाद्य बोलते हैं, सीतावाद्य यंत्र को ही लिंगवा फोन बोलते हैं, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है, ले लिया आपने। अब आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न दिया हमने हरिये, हरिये पद में, हरिये पद में विभक्ति, हरिये पद में विभक्ति कौन सी है, हरिये पद में विभक्ति कौन सी है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि हरिये पद में विभक्ति, ये वाला प्रश्न सभी को आना चाहिए, सभी का सही आना चाहिए, सरल प्रश्न दिया मैंने, ये केवल इतना बताने के लिए प्रश्न दिया है कि अपन को शब्द रूप याद करने हैं, शब्दों में से कोई सा भी एक रूप दे दिया जाएगा और उसमें विभक्ति का नाम पूछा जाएगा कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो आपको याद होना चाहिए, तो कौन सी विभक्ति है सबको पता है इसके बारे में, जिनको पता नहीं है इसका मतलब है उनको क्या याद नहीं है, उनको शब्द याद नहीं है, तो शब्द और धातु याद करें, पूरा संस्कृत का सिलेबस आपका है वह शब्द धातु पर टिका हुआ, क्योंकि संस्कृत टू संस्कृत पेपर आएगा और संस्कृत टू संस्कृत पेपर आएगा, मतलब शब्द और धातु याद होंगे तो आप संस्कृत से हिंदी आराम से बना लोगे, हिंदी संस्कृत आराम से बना लोगे, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न अगला, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, तो देखिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, तो अगला प्रश्न है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न
कितने प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, उत्तर दीजिए, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, पांच प्रकार का, आभ्यंतर प्रयत्न पांच प्रकार का होता है। मित्रों प्रयत्न दो होते हैं, एक आभ्यंतर होता है एक बाह्य होता है, तो आभ्यंतर प्रयत्न पांच प्रकार का होता है, बाह्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार का होता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिए आपके पूरे ही सिलेबस पे व्याकरण हो शिक्षण विधियां हो सबसे संबंधित ही पूरा टेस्ट होगा ये, ठीक है। तो जिन्होंने एग्जाम पहले दे रखा है, जो घर पे तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें, और जो प्रश्न आपको मैं जो लाइव टेस्ट में प्रश्न देता हूं, यानी कि वीक में एक वीक में आपके पास में लगभग 50 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, 45 से 50 क्वेश्चन के लगभग पहुंच जाते हैं। तो एक वीक में यानी कि हर वीक में, इसका मतलब यदि महीने की बात करें तो एक महीने में आपके पास में महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, समझ रहे हो। ये तो कौन सा जो हम टेस्ट ले रहे हैं इसके माध्यम से पहुंच जाते हैं, और बाकी जो टॉपिक चल रहा है वो तो पूरा मैटर इकट्ठा ही हो रहा है। तो ये ध्यान रखे, इनको भी एक रजिस्टर में नोट कर ले। देखो पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। तो पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अच्छी तरह ध्यान रखना, रसानुभूति, क्या होता है, रसानुभूति एवं सौंदर्यानुभूति। ध्यान रखे क्या, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, रसानुभूति एवं सौंदर्यानुभूति, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछिए, रसानुभूति एवं सौंदर्यानुभूति होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कि पद्य शिक्षण में व्याख्या विधि, व्याख्या विधि का प्रयोग कौन सी कक्षा से अनिवार्य है, कौन सी कक्षा में अनिवार्य, जल्दी उत्तर दीजिए। तो ये ध्यान रखो, ये उच्च माध्यमिक स्तर पर, कौन सी, उच्च माध्यमिक, बिल्कुल उच्च माध्यमिक स्तर पर इसका अनिवार्य रूप से है, ठीक है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।